हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ जवाइन और काली मिर्ची फ्लेवर वाली मठरी बनाना शेयर करती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आइए बनाना शेयर करते हैं। एक बॉल लिए हैं बड़ा सा, उसमें हमने 150 ग्राम की मात्रा में मैदा डाले हैं और मैदा के साथ हम थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे 3 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा जवाइन और थोड़ा सा हम इसमें कलौंजी भी ऐड कर रहे हैं और काली मिर्ची कूटा हुआ ऐड कर रहे हैं और मोयन के लिए घी ऐड कर रहे हैं। घी हम 2 टीस्पून के करीब लिए हैं और स्वाद के अनुसार नमक लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके इस तरह का मोयन हमारा होना चाहिए, इस तरह का मोयन हमारा होना चाहिए तो अच्छा सा क्रिस्पी सा मठरी तैयार होगा। अब उसे हल्का हल्का पानी डालते हुए एक कड़क सा डो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया। आधा गिलास हमारा पानी लगा है, इसे ढक के रेस्ट के लिए रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अब यह हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है मठरी बनाने के लिए। एक बार इसे और मसल लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आटा और भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, बढ़िया तैयार हो जाए, मुलायम तैयार हो जाए। अब एक छोटा छोटा सा हम गोला ले लेते हैं और उसे एक बार अच्छी तरह से बेल लेते हैं बड़ा सा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, बीच बीच का रोटी के जैसा ही हमें इसे बेलना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे बेल लेते हैं एक रोटी के जैसा, और गोल होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसे कट करके किसी भी मोल्ड से या कोई कटोरी से या कोई गिलास से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक गिलास लेते हैं, उसे इसे कट कर लेते हैं और बीच से थोड़ा सा और हम बीच में होल जैसा बना लेंगे, ताकि एक थोड़ा सा डिजाइनर सा मठरी हमारा बन के तैयार हो जाए। बहुत ही ईजी स्टेप के साथ आप इसे बना सकते हैं और इसे मठरी को आप चाय के साथ या कोई मेहमान आए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी तैयार होता है। सूजी की वजह से ये काफ़ी बढ़िया बन के तैयार होता है। काली मिर्ची का फ्लेवर से और भी अच्छा बन जाता है। तेल या घी को गर्म करते हैं, फ्लेम को एक बार हाई रखते हैं, फिर इसे लो फ्लेम पर तल के और थोड़ा सा टाइम देते हुए क्रिस्पी तल के तैयार करते हैं। देखिए ये हमारा मठरी तैयार हो गया। 2-3 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ही क्रिस्पी मठरी।